हेलो जी। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एरे के बारे में पढ़ रहे थे। नीचे GTA Vice City खुली हुई है। मैं नहीं खेलता, मेरा भांजा खेलता है। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे एरे क्या होता है। देख लेते हैं, चलो एरे क्या होता है। एरे के मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिंटेक्स पढ़े थे। अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे काम करता है। एरे इज अ जस्ट ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप्स वेरिएबल। ज़्यादा इंग्लिश हो गई। एरे ये कह सकते हो कि काफ़ी सारे वेरिएबल एक डेटा टाइप के, एक ही वेरिएबल में उनका काम हो सकता है। कैसे? मान लो मेरे को 10 बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो मेरे को 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आप लोगों के हिसाब से। तो फिलहाल अब तक हमने जो भी पढ़ा है कि मार्क्स फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, जो भी है, पूरी ABCD पढ़नी पड़ जाएगी हमें यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, तो मान लो 20 बच्चों के मार्क्स लेने हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20। लो जी, बन गई है। अरे अब इसका मतलब क्या हुआ? MARKS 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 20 तक यहाँ पे बन गए। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, ये एक बात है। चलो एक्सेसिंग भी देखेंगे। पर देखो, समस्या ये है कि अगर ये 20 है ना, तो ये 20 से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से। नोटपैड खोल के उस पर लिख के देखते हैं, लिख के बताता हूँ, क्योंकि कंपाइलर पे लिखने में तो गड़बड़ हो सकती है। देखो, ये जो इसकी पोजीशन बनेगी वो यू बनेगी, किस नाम से था, मार्क्स नाम से ना, मार्क्स 0, मार्क्स 1, कॉपी पेस्ट करते हैं 1, इस तरीके से बनेगा। एरे की जो पोजीशनिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, टाटा 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 टाटा, जो भी है। अब ये जाएगा, देखो कहां तक जाएगा, ये मार्क्स ये जाएगा 19 तक, क्योंकि 20 तो हो ही नहीं पाएगा अगर 0 से शुरू हुआ है, तो 20 प्लेसेस तो यहीं खत्म हो जाएंगे। तो ये -1 तक की इसकी पोजीशंस होती हैं। चलो ये मैंने खोल लिया वापस फिर से। भाई कोशिश मेरी वही रहेगी कि 8 मिनट से छोटी वीडियो बने। अब इसके अंदर मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो कैसे कराऊं? प्रिंट एफ, ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक लूप है। जिसने लूप पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, जिसने लूप नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, या चुप वो पढ़ लो, या तो मेरी ही दूसरी वीडियोस देख लो। चलो लूप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर एक इंटीजर भी लेना पड़ेगा, फॉर एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, और एक्स इज लेस देन, ठीक है जी, एक सेकेंड हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी। देखो x से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्या हो गया ये, इस तरीके से है ये, और x इज लेस देन 20 ताकि वो 19 तक जाए, और x प्लस प्लस ये हो गया, और लो मैंने यहाँ ब्रैकेट दे दिया, लो मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, लो मैंने यहाँ पे गेट सी एस दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या दूंगा, मैसेज देना पड़ेगा, एक मजबूरी है मेरी, मजबूरी नहीं है मेरी, एंटर पर्सन डी नंबर, और इसमें मैं शो करूंगा कि कौन से प्लेस का नंबर यूजर दे रहा है। पर यूजर को थोड़ी पता है कि हमें 10 से शुरू करना है। अगर वो आएगा एंटर 0 नंबर, तो यूजर घबरा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने कर दिया एक्स प्लस 1, ताकि यहाँ पे लिखा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। अब आती है बात स्कैन एफ की, तो स्कैन एफ के अंदर क्या करना है, इसको नंबर को स्टोर कराना है, तो परसेंट डी टाइप का यूजर नंबर देगा अगर समझदार होगा तो, वरना तो ABCD भी दे सकता है, पर वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पोर्शन होता है, उसको बाद में देखेंगे। अभी देखो क्या है, MARKS कहाँ स्टोर कराना है, एक्स में। ध्यान से समझो इस कोड को, इतनी से कोड में 20 नंबर स्टोर हो जाएंगे मेरे। अब इसको प्रिंट करा के देखना है, तो जी प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए भी एक लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, फॉर लूप दे देता हूँ, या बोलो वाइल दे दूँ, वाइल दे देता हूँ। चलो वाइल, इससे पहले एक्स को कर देता हूँ 0, और वाइल एक्स इज लेस देन 20, और इसके अंदर मैंने दे दिया क्या, प्रिंट एफ, और टक टक, और टक 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 टक, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मार्क्स नाम से था ना, MARKS मार्क्स, ये मेरा अलार्म बज गया, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। चलो मार्क्स के अंदर मैंने दे दिया x, और यहाँ पे x प्लस प्लस, ओके जी,
रन करें इसको, काम कर जाना चाहिए आई थिंक। और इससे पहले कहोगे तो क्लियर स्क्रीन भी दे देते हैं, CLR SCR, ठीक है। Alt F9, एरर तो आई थिंक नहीं आनी चाहिए कोई, तो Alt F9 एक बार फिर से करेंगे। ये डिबग पे क्यों जा रहा है बार बार, Alt F9, नटर टूल्स, ये छोड़ो इस बात को, ये इसको हटा दिया। अरे ये ना GTA Vice City का एक कोड है, ये मेरे भांजे ने कांड कर रखे हैं ना सारे, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसको हटाओ, इसको रन करते हैं, आउटपुट हमें मिल जाएगा सही। Ctrl F9, फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 3, सेकंड नंबर 4, इस तरह से टक 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 करके मैं सारे नंबर दे रहा हूँ। देखो शो कर रहा है कि एंटर 12 नंबर, पोजीशन कौन सी जा रही है, 12 minus 1, क्योंकि मैंने जो नंबर शो करा रखा है वो X+1 करा रखा है। बड़ा नंबर भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, 32,000 तक का कोई भी नंबर दे सकता हूँ, 32,867 वगैरह जो भी है। अब देखो ये सारी वैल्यूज आ गई, पर ये सारी वैल्यूज बहुत खतरनाक आई है। इस खतरनाक का कारण क्या है, मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगाया, ठीक है। अब इसको रन करो, Ctrl F8 करा है मैंने, कहीं मेरी वीडियो पॉज ना हो गई हो, गलती से दब गया था। Ctrl F9 करा मैंने, देखो मेरे भांजे की कलाकारी। चलो Ctrl F9, अब क्या एरर है, एक्स हट गया, एक्स हटा है तो, हाँ चुप रहा है अभी, एंट एक्स हो गया, और एक है इंटीजर अलग ही ले लेते हैं उसको, MARKS, इसको दे दिया मैंने 20, ठीक है। आई थिंक समस्या इतनी ही थी, और ये समस्या इससे सुलझ जाएंगी। Ctrl F9, फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने 12, सेकंड दे दिया ये, थर्ड दे दिया ये, फोर्थ दे दिया ये, फिफ्थ दे दिया ये, आगे की गिनती खुद समझ लो, इतनी गिनती नहीं आती मेरे को। देखो मैं सीरियसली इसलिए लेके नहीं चलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बोरिंग लगे और मुश्किल लगे। इतनी आसानी से करेंगे तो देखो कितने आराम से हो जाएगा, सारे नंबर प्रिंट हो गए कितने मज़ेदार तरीके से, देखो। चलो एंटर, समझ गए ये कहानी। ये था लूपिंग का पहला पार्ट, सॉरी एरे का पहला पार्ट। बाकी इसी में कैरेक्टर वगैरह भी देखेंगे, कोई पोजीशन एक्सेस करना चाहते हो पर्टिकुलर कोई पोजीशन, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में, जैसे मान लो मेरे को थर्ड पोजीशन चाहिए, तो प्रिंट एफ यहाँ पे दे दो %D। थर्ड पोजीशन लेने के लिए मेरे को 2 टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 भी मत करो, देखो सीधा सा फंडा समझ लो, 3 minus 1 ये कर दो, वो वाली पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि शुरू होता है 0 से, 0 1 2। देखो थर्ड नंबर पे 2 आ रहा है ना, इसलिए इसको रन करोगे थर्ड पोजीशन मिल जाएगी। फिलहाल मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग रन करके देख लो, और मैं इसको बंद कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद छोटी वीडियो बनी है, अरे 8 मिनट की बनी गई। चलो बाय बाय।